यूपी के चिकित्सा शिक्षा संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पीएमयू में पहुंचकर फोन पर मरीजों से हालचाल जाना। कहा, आपके लिए ही लखनऊ से आया हूं, आपको किसी तरह की परेशानी तो नहीं? खाना नाश्ता समय से मिलता है, इलाज ठीक हो रहा है। दो डिस्चार्ज मरीजों से बात भी की और प्रबंधन से अस्पताल के इंतजामों पर बात की। सुरेश खन्ना सर्किट हाउस से निकलकर 1:15 बजे पीएमयू पहुंचे, जहां पीएमयू के ग्रुप वाइस चेयरमैन मनीष जैन और जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने मरीजों की संख्या और इलाज की जानकारी दी। मीटिंग हॉल में पहुंचकर कैबिनेट मंत्री ने अस्पताल में भर्ती कोरोना पीड़ित शमशुल इस्लाम तथा मुकुल अग्रवाल से फोन द्वारा वार्ता की। कहा, मैं सुरेश खन्ना बोल रहा हूं, आपको पहले क्या समस्या हुई थी, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? वार्ड और टॉयलेट की साफ सफाई के बारे में और वार्ड के अंदर इंतजाम के बारे में भी जानकारी ली। 5 कोरोना पॉजिटिव से उन्होंने बात की। भर्ती मरीजों ने कहा कि उन्हें इलाज में किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने टीएमयू अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जा रहे 35 वर्षीय असलम निवासी नया गाँव मुरादाबाद और नूर भी आयु 6 वर्ष निवासी संबल से बात की। उन्हें ठीक होने पर भी शुभकामनाएं दी। मंत्री ने कहा कि टीएमयू मैनेजमेंट एवं चिकित्सक कोरोना संबंधित मरीजों का पूरा सहयोग करें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना से संबंधित मरीजों का इलाज करें। यहाँ मेडिकल कॉलेज आने का उद्देश्य है कि मेडिकल जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो तुरंत चालू हो। इमरजेंसी सर्विसेज इसलिए चालू होना जरूरी है कि एक तरफ तो हम कोरोना से लोगों को बचा रहे और दूसरी तरफ जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं लोग, उन लोगों को निग्लेक्ट नहीं करना है, उनको भी कम से कम इलाज की सुविधा जरूर देना है। आप पूरी सावधानी बरत के जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो चिंता करें, जो हॉस्पिटल में खासतौर से फैकल्टी मेंबर्स हैं वो चिंता करें इसकी, और जिला प्रशासन की चिंता करें।